नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिंपल लिविंग में। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि पॉली बैग में मैंने किस तरीके से मूली को, रेडिश को ग्रो किया है, और आप बहुत ही आसानी से अपने पॉट्स में या जैसे कि वो जूसेस वाली बॉटल्स होती हैं, उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, आप उसमें भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको ये अपने देखिए थोड़े से ये बिल्कुल इस समय हमारे गार्डन में येलो कलर की बिल्कुल बाहर आ गई है। हैं तो बहुत सारे कलर और भी, पर मैंने ये देख रहे खूब सारे येलो कलर हो गए हैं। ये देखिए इधर ये, इधर ये, और ये तो खैर मैं खुद ही से लेके आई थी, ये वाला कलंचो, ये वाला येलो, ये भी येलो, इधर ये बहुत सारे येलो हो गए। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है करीब सितंबर के मंथ में बीज से, मतलब सीड से ग्रो किया था मूली को, और पॉली बैग में किया था। उसके पहले मैंने कई बार गमले में भी ग्रो किया हुआ है, और मेरे पास जो सीड्स थे वो सीड्स मेरे लास्ट ईयर के सीड बचे हुए थे, जो कि मैंने मतलब जब पिछले साल मैंने ग्रो किया था तो उसी के सीड्स निकले हुए थे, तो उसी सीड से मैंने इस बार पॉली बैग में ग्रो किया। तो आज मैं जैसे आपको जो दिखा रही हूँ मूली, वो ये देखिए, ये 2.5, मतलब ये 2.5 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है। और इस बार दोस्तों सितंबर में बहुत बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा हुई थी, कई कई दिन तक लगातार हुई थी बारिश। तो इससे ये जो है, ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ से ये देखिए मूली निकल रही है। और ये पॉली बैग बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं किया था मैंने। यहाँ पे देखिए ये होल्स कर दिया था, यहाँ पे कर दिया था और नीचे किया हुआ है मैंने। और ऐसा ये देखिए, ऐसे आपको थोड़ा सा दिखाऊं, और बहुत अच्छी मूली निकल के आई। तो आज मैं बस इसके पत्ते भी मैं अपना इसमें से लेके यूज़ करती रहती हूँ। तो इसको जैसे सीड से किया था मैंने, जब आपको जैसे ग्रो करना हो तो आप इसके लिए जो मिट्टी लीजिए ना, वो अच्छे से रिच लीजिए, उसमें मतलब कंपोस्ट, गोबर खाद और वो सैंड, ये अपना मिक्स कर लीजिए। और जैसे कि मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर कुछ हो, पेबल्स हो, तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि मिट्टी में अंदर की ओर इनको बढ़ने के लिए जगह मिले। और जैसे मैंने तो बिल्कुल पास पास में ही डाल दिया था, लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए कि आप, मान लीजिए ये गमला है, अगर आपको गमले में ग्रो करना है ना, दिखाओ मैं, ये देखिए इसमें तो गोभी भी लगी हुई है, ये देखिए। तो ये यहाँ जैसे गमले में लगाना है आपको, तो आप थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के, इधर से भी गैप दे दीजिए इधर, क्योंकि गोलाई में बढ़ेगी ना, इतना इतना सा गैप दे करके ये इस तरीके से डिस्टेंस दे के करीब 2-2 इंच का आप दे दीजिए। उसके बाद फिर उसको आप गमले में लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसानी से दोस्तों इसमें, इस तरीके के पॉट्स में आप मूली ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप बीट रूट भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। चुकंदर जो है, बीट रूट मैंने ग्रो किया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निकला था। सेम प्रोसेस, मतलब सेम तरीके से ही ये और वो दोनों किया था, मिट्टी दोनों की एक ही सी थी, बहुत अच्छा रहता है। और बस ये रहता है कि मिट्टी आपकी अच्छी रहे, सनलाइट में रखिए इसको, जब भी आप सीड, अच्छा सीड बहुत अंदर तक मत उसको करिएगा, थोड़ा सा बस यहीं पे जैसे कि ना आधा आधा इंच के करीब ऐसे रख के और उसको दबा दीजिएगा। और सनी एरिया में रखिएगा, जैसे जहाँ पे कि इसको धूप मिले, जिस समय आप इसको ग्रो करिए। जो भी इस तरीके की चीज़ें ग्रो की जाती हैं उनको हम सनी स्पॉट देते हैं, वहाँ पे रखते हैं। और वाटर आप बराबर, मिट्टी को मॉइस्ट रखिएगा, पानी बहुत नहीं भरिएगा, वेल ड्रेन पॉट में लगाइएगा, पानी मत भरिएगा ज़्यादा। पानी भरने से फिर क्या होगा कि ये सब सड़ जाएगा, है ना। और सूखा भी नहीं होना चाहिए, ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए, दोनों चीज़ का है। और फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का ये है कि देखिए जैसे जब थोड़े थोड़े पत्ते दिखने लगते हैं, तो बस लिक्विड, इसमें तो मैंने लिक्विड ही फर्टिलाइज़र, जैसे जो मैं बनाती हूँ ना, आप लोगों को कई बार मैं बना के दिखा दी हूँ, मैं ऑल पर्पज़ ही टाइप का बनाती हूँ, उसमें सभी चीज़ें होती हैं।
कई बार होता है कि जैसे हमें अगर मैं पालक के लिए या किसी और चीज़ के लिए मुझे या जो इंडो प्लांट्स के लिए लीफी वो वाली उनके लिए होता है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, बाकी इन सब चीज़ों में पोटेशियम और फॉस्फोरस ये सब चाहिए ही होता है। तो ये इस तरीके से मैंने जो मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ मैं वही इसमें मैंने दिया था। और हाँ, इसमें दोस्तों देखिए कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है चाहे वो हम टमाटर लगाएं या कोई चीज़ जैसे लगाएं तो उसमें कुछ ना कुछ कीड़े एफिड्स मतलब कुछ तो होगा ही चाहे वो कैसा भी हो। तो पत्ती खाने वाले बहुत सारे होते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत आपको स्प्रे कुछ ना कुछ नीम ऑयल का आपको करना ही होगा। अगर आप ध्यान देते रहिए देखते रहिए कहीं अगर इस तरीके की कहीं कोई चीज़ आपको दिख रही है तो आप समझ जाइए कहीं ना कुछ कोई ना कोई कीड़ा तो यहाँ लग ही रहा है, तो उसको आप ध्यान दीजिए। और अगर ऐसा कुछ लगे तो आप फिर उस पर स्प्रे कर लीजिए, और नहीं तो आप 10 दिन में बिना मैं वेट नहीं करती हूँ कि कोई कीड़ा लगे तभी मैं स्प्रे करूँ। मैं हर मतलब 10 दिन में मैं चावल का जैसे पानी का बनाती हूँ मैं वो स्प्रे कर देती हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो दोस्तों बनाया हुआ है। लेकिन आप अगर नहीं आपके पास इतना टाइम हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे एकदम ईजिली कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है तो इतना सा शैम्पू 1 लीटर पानी में डाल दिया, इतना सा शैम्पू एकदम बहुत थोड़ा सा माइल्ड सा, और बस उससे ही स्प्रे कर दिया। स्प्रे करते रहिए तो कोई चीज़ लगेगी ही नहीं, छोटा सा हमारा ये है इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है, बस हमको देखते रहना होता है कि कहीं कुछ कीड़ा वीड़ा लग तो नहीं रहा है, बस इसमें यही है। चलिए देखते हैं निकालते हैं आज इसको, है ना। ये तो अरे ये तो निकल आएगी बड़े मज़े से, अभी मैंने कहा चलो आज निकाल ही लेते, पता नहीं इसमें जगह तो थी नहीं पॉली बैग में, तो मैंने निकाल ये निकल आई, कितनी अच्छी लग रही है ये देखिए, इसको भी निकालती हूँ, बहुत बहुत ही अच्छी लग रही है। नहीं ये लग रहा है ये वाली भी तैयार हो गई है, ये निकली ये तो जल्दी से निकली, ये बहुत बढ़िया सी है, कितनी अच्छी लग रही है। चलिए अब ये देखिए गोभी तो बहुत ही छोटी सी है, अभी तो इसका एक पराठा भी नहीं बन पाएगा इतनी छोटी सी है ये। चलिए हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, खुशी से डिसलाइक करेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बता दीजिएगा बस कि क्या चीज़ पसंद नहीं आई। चलिए दोस्तों मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, बाय, थैंक यू।